नमस्कार दोस्तों, अमित टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मॉडल सेट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे ही बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों को मैं हल करवाने वाला हूँ आज। हल करवाने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर भेजें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपसे कह दूं कि इस वीडियो में आपको सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, अगला वीडियो में सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये रहे फ्रेंड्स सेक्शन ए के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो अपना पहला प्रश्न ये है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, या किरण है मतलब वायु में जो गमन करती हुई जल में तिरछी प्रवेश होती है, वह कौन सी किरण है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। तीसरा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लेंस के मुख्य फोकस पर, मतलब ए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि पटल है वो। क्वेश्चन छः नंबर देखते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का U का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साइन ए बटा साइन आर। सातवें क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो किसी भी लेंस का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो मान लीजिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए। आठवें क्वेश्चन हम देखते हैं, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? इसका आंसर होगा बी, मतलब प्रकाश का परिवर्तन। नाइन नंबर देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये तीनों हो जाएंगे फ्रेंड्स, यानी इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी डी। दसवें नंबर पर चलते हैं हम, दसवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? इसमें आपको विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाट घंटा, मतलब बी। चलिए फ्रेंड्स हम ग्यारहवें नंबर पे चलते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्त का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। बारहवें नंबर पे चलते हैं, फ्यूज तारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। तेरहवें नंबर पर चलते हैं, तेरहवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कोबाल्ट। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से
किस औषधि का उपयोग होता है? 20 नंबर सवाल है आपका, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर डी। तो 21वें नंबर पर चलते हैं। चींटी की एक डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्लीय निम्न में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं 22वें नंबर पे। बाईसवां नंबर सवाल है आपका, ऑक्सीजेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्सीजेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? नंबर ए है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सीजेलिक अम्ल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें पर। CaSO4 4.12H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? आपको ये बताना है कि CaSO4.12H2O निम्नलिखित में से किस रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं 24वें नंबर सवाल पे। ये सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल व्यवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारा धातु है जो कमरे के तापमान के तरल पर अवस्था में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 25वें नंबर पे चलते हैं हम। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वि आबंध। फ्रेंड्स, 26वें सवाल पर मैं जाने से आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को ओपन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाने वाला हूँ। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी सेंड कीजिए, और इस वीडियो को जितना भी आप लाइक कीजिएगा उतना ही मैं अच्छी अच्छी आपके लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने 26वें नंबर सवाल पे। 26वां सवाल है अपना, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ग्रेफाइट। 27वें नंबर हमारा सवाल है, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कार्बन की सबसे गहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से 2 होती है। 28वां सवाल है हमारा, एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? इसमें आपको बताना है कि एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CnH2n-2। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अगले सवाल पर चलते हैं। 30वां नंबर सवाल है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परमाणु आकार के। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने 31वें सवाल पर चलते हैं। 31वां सवाल है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवर्त कहलाते हैं। 32वां सवाल है हमारा, अम्ल राज में सांद्र HCl एवं सांद्र NHO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2:1, यानी 2:1। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, 33 नंबर पर चलते हैं हम। 33 का सवाल है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सोपोसी कहलाते हैं। चौंतीस नंबर सवाल पे चलते हैं। 34 का सवाल है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाचन का कार्य है। 35 सवाल पे चलते हैं। 35 नंबर सवाल है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? इसमें बताना है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल की जाए में, ऑप्शन नंबर सी, गोल की जाए हो जाएगा इसका। तो 36 नंबर सवाल पे चलते हैं, इसमें बताना है आपको पादप में ऑनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पादन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोएम और जाइलम के, दोनों के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मनुष्य में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। अगले सवाल है हमारा, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेनिन नहीं है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड बताना है या अमोनिया बताना है या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ये सभी अमीनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर ए है यकृत, बी है लार ग्रंथि, सी है श्वेत ग्रंथि और डी है थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा यकृत होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल है, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? मतलब आपको बताना है कि फल और इन चारों ऑप्शन में फल पकाने में कौन प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फल पकाने में आवश्यक है, ऑक्सीजन फल पकाने के लिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, 43 सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो आप हमारे शरीर में इंसुलिन जब कमी रहेगा तो कौन सा रोग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुकुलन। अगला सवाल पर चलते हैं।
45 नंबर सवाल है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा सी, अंडाशय में मानव में निषेचन की क्रिया होती है। 46 नंबर है, अनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? अनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लामार्क। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उपभोक्ता। लास्ट सवाल है अपना, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डार्विन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे साइंस में हमारा 48 सवाल ऑब्जेक्टिव है, और आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पर देखन बी में नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपसे ये अनुरोध है कि अगर अभी तक भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला वीडियो भी इस वीडियो की तरह ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं फ्रेंड्स, ये आपसे अनुरोध है। तो इसी के आगे जय हिंद जय भारत।